चुनाव आयोग ने हिंसा को लेकर एक बड़ी कार्रवाई की। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से चुनाव प्रचार के दौरान हिंसा हो रही है, उस पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए प्रचार का जो समय है उसे 19 घंटे कम कर दिया है। जो प्रचार शुक्रवार को शाम 5 बजे समाप्त होना था, उसे पहले आज यानी गुरुवार के दिन ही रात 10 बजे प्रचार खत्म करने का फैसला किया गया। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने हमला बोल दिया है और कहा है कि बीजेपी के प्रकोष्ठ की तरह से काम कर रहा है चुनाव आयोग, बीजेपी के इशारे पर इस तरह के फैसले किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हुआ उस पर क्या कहना है आपका? इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पे कई बदलाव कर दिए हैं। अरे बीजेपी जो है हार से बौखलाए हुए लोग हैं और बीजेपी का प्रकोष्ठ क्या करेगा फिर? बीजेपी जब हताश है, निराश है, जान गए वो हार रहे हैं, तो बीजेपी का प्रकोष्ठ तो उसी के पक्ष में कुछ ना कुछ कोशिश करेगा ही। अरे प्रकोष्ठ, बीजेपी का प्रकोष्ठ। ने कहा है कि बीजेपी, तो तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर हमला बोला है और कहा है कि दरअसल ये जो कुछ भी हो रहा है ये बीजेपी के इशारे पर हो रहा है, बीजेपी के प्रकोष्ठ की तरह से चुनाव आयोग काम कर रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि दरअसल बीजेपी हार की आशंका से घबरा गई है और इसी वजह से इस तरह के फैसले किए जा रहे हैं। और पटना से जी मीडिया संवाददाता रजनीश उस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा रुख करेंगे पटना का। रजनीश, चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी गई है, 19 घंटे पहले ही चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, लेकिन इसको लेकर बीजेपी का तर्क यह है कि ये प्रचार पर रोक तो सबके लिए लगी है, बीजेपी के लिए भी है, फिर भी विपक्ष का हमला लगातार बीजेपी पर है। देखिए, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल का वाकया है, इसको लेकर बीजेपी और टीएमसी वहाँ पे आमने सामने हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है वहाँ पे। लेकिन अगर बात करें बिहार में, तो यहाँ पे तमाम सारे जो महागठबंधन के नेता हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या फिर जीतन राम मांझी हो या फिर शक्ति सिंह गोहिल कांग्रेस के जो प्रभारी है बिहार के, तमाम लोगों ने सीधा सीधा मोर्चा खोला है और चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह लगाया है और कटघरे में खड़ा करते हुए इतना तक कहा है तेजस्वी यादव ने कि एक बीजेपी के प्रकोष्ठ के तौर पे काम कर रही है चुनाव आयोग और जिस तरीके से पूरा मसला मामला है और ठीकरा पूरा है कि बीजेपी चुनाव में बैकफुट पर है और लिहाजा अब जो है प्रकोष्ठ के तौर पर चुनाव आयोग का एक तंत्र के तौर पर, एक हथियार के तौर पर उपयोग कर रही है और जिस तरीके से ये पूरा मसला चला है वहाँ पे। और जाहिर तौर पे अगर प्रचार अगर बंद होते हैं तो वो सभी के लिए है, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए या जो भी कदम उठाए गए हैं, जो परिस्थितियों को देखते हुए संवैधानिक संस्था है उनकी जवाबदेही है निष्पक्ष चुनाव कराया जाए, कहीं कोई बाधा व्यवधान न हो और साथ ही साथ तमाम जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल बना रहे जिससे कि मतदाताओं में कहीं कोई गफलत का संदेश न जाए। लेकिन जो कदम उठाए गए हैं उसको लेकर महागठबंधन के तमाम सारे नेता मोर्चा खोलते हुए, अगर जीतन राम मांझी की बात करें, उन्होंने यहां तक कहा है कि इतना लंबा जो ये स्पैन रहा है चुनाव के समय का, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्यादा से ज्यादा सभा करने का मौका दिया। कुल मिलाकर ये एक मौका मिला है चुनाव आयोग पर निशाना साधने का और साथ ही साथ बीजेपी पर हमला बोलने का, क्योंकि विपक्ष इस वक्त जान रहा है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उसके बाद बीजेपी के लिए वहां पर प्रचार करना भी मुश्किल कहीं ना कहीं था, तो ये लोग चाहते नहीं है कि प्रधानमंत्री वहां रैली कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। जीतन राम मांझी ने दरअसल ये कहा है कि चुनाव इतना लंबा, चुनाव की प्रक्रिया जो इतनी लंबी तक समय तक चली है, इसके पीछे कारण यह है कि ये बीजेपी चाहती थी कि प्रधानमंत्री मोदी ज्यादा से ज्यादा रैलियां कर सकें। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री की रैली की वजह से ही वहां पर प्रचार पर जो रोक लगाई गई है वो जानबूझकर देरी से लगाई गई ताकि दो रैलियां जो प्रधानमंत्री की हैं वो हो सके। इलेक्शन कमीशन पर तो हम आज नहीं, फर्स्ट से ही कह रहे हैं कि वो गरीब विरोधी कार्रवाई वो कर रहे हैं, चाहे जिसके कहने पर कहें। वो बड़े बड़े लोग तो आते हैं, एयर कंडीशन से आते हैं, एयर कंडीशन रहता है, स्टे चले जाते हैं,
लेकिन हम लोगों का क्या होता है, हम लोगों का जन्मरण है, कहने का मतलब प्रधानमंत्री अधिक से अधिक मीटिंग अटेंड करें, इसके लिए इतना लंबा उन्होंने खींचा है, ये हम चार्ज करते हैं इलेक्शन कमीशन पर। और उस प्रकार से जैसा पहला में कहा था कि खास करके वैसे समय जब गरीब लोग छठ व्रत करता है और उस समय इन्होंने रखा जिससे कि हमारा 10-12% गरीब वोटर वोट नहीं दे सके, तो कहने का मतलब इलेक्शन कमीशन को इस तरह समझना चाहिए। कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने भी चुनाव आयोग पर निशाना साधा है और कहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर नाच रहा है। ये आम आदमी भी, एक साधारण आदमी भी समझ सकता है कि वहां चुनाव प्रचार पर रोक तब लगाई गई है जब मोदी की वहां दो रैलियां हो जाएं। आपको बता दें कि मोदी की पश्चिम बंगाल में आज दो रैलियां हैं और इसी को लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साध रही है कांग्रेस। पटना में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का रोड शो होने जा रहा है। हमारे साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल है, उनसे जान लेते हैं। सर, इस रोड शो का क्या मैसेज देने की कोशिश है इस रोड शो के जरिए? देखिए, चुनाव में जनसंपर्क एक बड़ा माध्यम होता है और जनसंपर्क रास्ते पे निकल के रोड शो के माध्यम से हमारे प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा जी के सपोर्ट में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी का होने जा रहा है। और आप देख रहे कि कितना जोश है लोगों में। मैं आपकी चैनल के माध्यम से बिहार के प्यारे लोगों का भी दिल से धन्यवाद करता हूं कि उनके आशीर्वाद, प्यार और समर्थन हमारे साथ रहा। पटना गांधी मैदान में राहुल गांधी जी की बरसों बाद जबरदस्त जनसभा हुई, वो भी यहां के लोगों के आशीर्वाद से हुई। मुझे पूरा विश्वास है कि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अड़िंगे डाल रहा है, बीजेपी के कहने पे दिल्ली से चक्कर चलता है और हमारा जनसंपर्क यात्रा सफल ना हो उसमें सारे अड़िंगे डाले जा रहे हैं, पर फिर भी लोग हमारे साथ हैं, सफल रहेगा। किस तरह करेंगे? देखिए, ये बहुत बौखलाते हैं, दिल्ली में चिल्लाते हैं ना, हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दिया, ये वो नहीं करने दिया। राजेंद्र नगर में जो स्टेडियम आया है, आप कैमरा लेके देख लो, वहां पे हमने बात की एडमिनिस्ट्रेशन से, हमें कहा कि कोई दिक्कत नहीं, हेलीकॉप्टर उतर सकता है। हमने सारी फॉर्मेलिटीज की, फिर कहा गया यहाँ बैरिकेटिंग कर दो, खर्चा करके बैरिकेटिंग खत्म हो गई। अब लास्ट मिनट में कहते हैं कि ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया माने मोदी सरकार का एक डिपार्टमेंट, वहां से एनओसी लाना पड़ेगा। वहां जब बात की तो अफसर ने हमको बताया कि साहब प्लीज हम पे प्रेशर मत करो, ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर है, आपको परमिशन नहीं मिलेगी, आप ऑप्शन ऑल्टरनेटिव कर लीजिए वरना आपका प्रोग्राम बिगाड़ने की ये भाजपा की साजिश। हमने कर लिया है, ऑप्शन हो गया है। धन्यवाद। तो शक्ति सिंह गोहिल थे और इन्होंने जो रोड शो होने वाला है आज राहुल गांधी का, उसे सफल बनाने की बहुत कोशिश की है। इनका दावा भी है कि रोड शो सफल हो, ये उनकी तैयारी चल रही है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस के सभी नेता इस रोड शो को सफल बनाने में लगे हुए हैं। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना।